गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज हम करेंगे लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस एंड द क्रिटिकल फिनोमेना। हमें पता है गैसेस का टेम्परेचर डिक्रीज करके उसको लिक्विफाई किया जा सकता है, और साथ ही साथ जब हम उसका प्रेशर इंक्रीज करते हैं तब भी गैसेस को लिक्विड में बदला जा सकता है। 19th सेंचुरी के मिडल में हमने बहुत सी गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह को लिक्विफाई किया था बाय द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ कूलिंग एंड कंप्रेशन। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं के बराबर, बहुत कम होता है। लेकिन जब हम इसका टेम्परेचर कम करते हैं तो गैस की काइनेटिक एनर्जी भी, गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाती है। तो जब गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो वो स्लो स्पीड से मूव करना शुरू कर जाएंगे, स्लो हो जाएंगे, और स्लो स्लो होते होते उनकी स्पीड इतनी कम हो जाती है कि वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब उनका बढ़ जाता है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो टेम्परेचर डिक्रीज करने पर हम उसको लिक्विड में बदल सकते हैं। इसी के साथ साथ जब हम गैसेस को कंप्रेस करते हैं तो उसकी वॉल्यूम जो है वो बहुत कम हो जाती है, यहाँ से इतनी कम हो गई तो मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास आ गए, तब भी इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएंगी और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर और इंक्रीज ऑफ प्रेशर और बाय द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बोथ। लेकिन जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है वो प्रेशर के इफेक्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो थॉमस एंड्रयूज ने यही लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस के लिए जो एसेंशियल कंडीशंस हैं उनको स्टडी किया था, और गैसेस के लिए ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम जो है स्टडी के बाद प्लॉट किया था एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ फॉर गैसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो उसने ऑब्जर्व किया कि हायर टेम्परेचर्स पे, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो आइसोथर्म आता है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू आइडियल गैस, बिल्कुल आइडियल गैस जैसा लगता है। और गैसेस को बहुत हाई टेम्परेचर पे हम लिक्विफाई कर ही नहीं सकते, चाहे जितना मर्जी हम उसके प्रेशर को इंक्रीज करते। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर को कम करते हैं इस आइडियल गैस वाले कर्व की बजाय डेविएशन आ जाती है, कर्व थोड़ा डेविएट कर जाता है। और डाटा शो करता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर हम लो कर रहे हैं डेविएशन और ज़्यादा होती जा रही है। फॉर एग्जांपल 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये आइडियल गैस की तरह था, 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड पे इट इज़ डेविएटिंग फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, और एक मिनिमम टेम्परेचर 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम देखते हैं कि प्रेशर को इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज करती है टिल अ पॉइंट एक्स, जब उसके बाद और हम प्रेशर इंक्रीज नहीं कर सकते हैं क्योंकि गैस फर्स्ट टाइम लिक्विड स्टेट में अपीयर होती है। और उससे फर्दर हम जितना प्रेशर इंक्रीज करेंगे या जितनी वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे, क्योंकि गैस लिक्विफाई हो जाती है वो लिक्विड स्टेट में होती है, तो थोड़ी सी कंप्रेशन से भी प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। यूज ऑब्जर्व दैट एट हाई टेम्परेचर आइसोथर्म लुक्स लाइक दैट ऑफ एन आइडियल गैस एंड गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड इवन एट वेरी हाई प्रेशर। एज द टेम्परेचर इज लोअर्ड द शेप ऑफ द कर्व चेंजेस एंड डाटा शोज मोर एंड मोर डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। This is because carbon dioxide does not behave ideally as the temperature becomes lower and lower. तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड में आइडियल गैस जैसा कर्व है,
लेकिन 30.98 पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 73 एटमॉस्फेयर तक गैस की तरह बिहेव करती है 30.98 डिग्री सेल्सियस पे, प्रेशर 73 एटमॉस्फेयर तक वो गैस की तरह बिहेव करती है, लेकिन 73 एटमॉस्फेयर के बाद पहली बार वो लिक्विड स्टेट में ऑब्जर्व होती है और उसके बाद ज़रा सा भी कंप्रेशन करने पर प्रेशर एकदम से बढ़ जाता है और गैस लिक्विड फॉर्म में हमको मिलती है। सो ये जो टेम्परेचर है 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड जहाँ पे पहली बार गैस लिक्विफाई होती है, इस टेम्परेचर को हम गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। सो 30.98 डिग्री सेल्सियस इज द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच द लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्जर्व, अबव दिस टेम्परेचर इट इज अ गैस। सो टेम्परेचर 30.98 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस स्टेज पे जो वॉल्यूम वन मोल ऑफ द गैस ऑक्यूपाई कर रही होती है उसको हम कहते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम एंड प्रेशर एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। सो ये यहाँ से हम कंप्रेस कर पा रहे थे 73 एटमॉस्फेयर पे, इससे ज़्यादा हल्की सी भी कंप्रेशन करते हैं तो वी जैसे वी सी से ये तो बहुत ज़्यादा जो है राइज इन प्रेशर हो जाता है, तो कंप्रेसिबिलिटी लिक्विड की बहुत कम होती है, लिक्विड को आसानी से कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो गैस का बिहेवियर है इट कैन बी शोन विद दिस आइसोथर्म ए बी सी डी। तो यहाँ पे इस वॉल्यूम से जब हम वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो गैस का प्रेशर इंक्रीज करता है और ग्राफ जो है ए बी कर्व को फॉलो करती है। यहाँ आके पहली बार गैस लिक्विड स्टेट ऑब्जर्व करती है, गैस लिक्विफाई होती है एंड उसके बाद अप टिल दिस पॉइंट सी पॉइंट देर इज़ नो इंक्रीज इन प्रेशर इवन विद कंप्रेशन फर्दर कंप्रेशन, बिकॉज जितना भी हम एक्स्ट्रा कंप्रेस कर रहे हैं गैस को वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट कर रही है। तो ये बी सी आइसोथर्म जो है इट इज़ शोइंग द गैस लिक्विड इक्विलिब्रियम, जहाँ गैस और लिक्विड में इक्विलिब्रियम है और कंप्रेशन के साथ गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही होती है। सी पॉइंट पे सारी की सारी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और इससे ज़्यादा कंप्रेशन करने पर, क्योंकि लिक्विड को कंप्रेस करना मुश्किल होता है, एकदम से ही प्रेशर इंक्रीज कर जाता है और हायर लेवल पे पहुंच जाता है। तो ये जो कर्व है आइसोथर्म है ए बी सी डी, दिस इज शोइंग दैट क्रिटिकल टेम्परेचर के लोअर टेम्परेचर पे गैस जो है पहले कंप्रेस होती है फिर लिक्विड में कन्वर्ट होती है, कुछ समय तक गैस लिक्विड इक्विलिब्रियम बनता है जब तक कि सारी गैस लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए, उसके बाद लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी, यहाँ पे गैस लिक्विड स्टेट में है इस तरह से। इससे नीचे टेम्परेचर पे जैसे कि 13.1 पे ग्राफ फिर वैसा ही है ए बी सी डी जैसा, बस यहाँ पे ये जो फ्लैट पोर्शन है ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है, ये ई एफ जी एच आइसोथर्म बिल्कुल ए बी सी डी जैसा ही है एक्सेप्ट फॉर दिस फ्लैट पोर्शन बढ़ गया है। तो ये यहाँ पे ये गैस स्टेट में है, यहाँ वेपर प्लस लिक्विड इक्विलिब्रियम है और यहाँ पे लिक्विड स्टेट है। तो आप देख रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ये फ्लैट पोर्शन छोटा होता जा रहा है अनटिल एट 30.98 ये सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट एक्स रह जाता है और ये जो कर्व है ये जो प्लॉट है इसमें ये पॉइंट जे जी सी एक्स बी एफ आई ये कर्व जो है ये इसके अंडर गैस लिक्विड का इक्विलिब्रियम आपको नज़र आता है। सो बिलो 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड द बिहेवियर ऑफ गैस ऑन कंप्रेशन इज डिफरेंट, एट 21.5 आइसोथर्म ए बी सी डी कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स,
at point A it is a gas, volume of gas decreases, the pressure increases up to point B. At point B, liquid of a particular volume appears. और कंप्रेशन करेंगे तो प्रेशर चेंज नहीं होगा, लिक्विड और गैस का जो इक्विलिब्रियम है वो को एग्जिस्ट कर रहा होगा, दोनों गैस लिक्विड और गैसेस स्टेट दोनों मिलेंगी हमको, और प्रेशर इंक्रीज करने पे जो है और गैस कंडेंस होती है टिल द पॉइंट सी, जब सारी की सारी गैस लिक्विफाई हो जाती है. सो हॉरिजॉन्टल पोजिशन बी सी इंडिकेट्स दैट देयर इज कंसिडरेबल चेंज इन वॉल्यूम विद चेंज इन प्रेशर. So it indicates the process of liquefaction. In other words, gas is condensed to a compact liquid. और C पे जाके condensation complete हो जाएगी. उसके बाद C से जब हम compression करते हैं तो isotherm एकदम steeply rise करता है और थोड़ी सी volume change में ही बहुत ज़्यादा pressure increase कर जाता है. Slight compression from V2 to V3 results in ये V2 से V3 की स्लाइड कंप्रेशन में ही इंक्रीज इन प्रेशर P2 से P3 बहुत ज़्यादा हो जाता है. लाइक ए रिप्रेजेंट्स गैसियस स्टेट, पॉइंट लाइक बी रिप्रेजेंट्स गैसियस स्टेट विद गैसेस बिगनिंग टू कंडेंस इनटू लिक्विड, पॉइंट लाइक सी शोज दैट ऑल गैस हैज कंडेंस्ड इनटू लिक्विड, एंड पॉइंट लाइक डी शोज कंप्लीटली लिक्विड स्टेट. ना सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बल्कि और गैसेस भी ऐसा ही कर्व्स शो करती हैं. सो वी ऑब्जर्व कि 30.98 पे बहुत ही स्मॉल फ्लैट पोर्शन है, यानी पहली बार आपके जो है गैस लिक्विफाई होती है, तो ये उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है. और इस क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे अगर कोई गैसियस स्टेट में पाया जाते हैं तो उसको हम उसका वेपर कहते हैं. तो 30.98 के बाद उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहेंगे, 30.98 से कम टेम्परेचर पे अगर वो गैसियस फॉर्म है तो उसको वेपर कहेंगे. क्रिटिकल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड हाउवर हाई द प्रेशर में बी. क्रिटिकल प्रेशर इज द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई द गैस एट द क्रिटिकल टेम्परेचर, एंड क्रिटिकल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई वन मोल ऑफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर. और इन तीनों को हम क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स कहते हैं. तो यहाँ पे हम गैसेस की तीनों क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ दे रहे हैं. तो आप देखते हैं कि ये वाली गैसेस का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर से ऊपर है, तो इनको हम आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं, जबकि ऊपर वाली गैसेस को लिक्विफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है. रादर हाइड्रोजन और हीलियम को हम लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पे. सो ये है इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर, दैट गैसेस लाइक अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनको हम इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ऊपर है. लेकिन गैसेस लाइक हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनको हम ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग प्रेशर अलोन, चाहे जितना मर्जी हाई हम प्रेशर कर दें. तो ऐसे जो नॉर्मल टेम्परेचर पे हमेशा गैसेस के फॉर्म में रहते हैं, इस तरह की गैसेस को अर्लियर हम परमानेंट गैसेस कहते थे. तो इसका मतलब एंड्रयूज के वर्क से हमें ये पता लगता है कि गैसेस जो हैं उनको कूल करने के लिए हमें टेम्परेचर उनके क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे रखना पड़ता है ताकि उनको हम लिक्विफाई कर सकें. अब कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट, वैसे तो हमने देखा है कि आइसोथर्म में गैस और लिक्विड दो फेजेस भी नज़र आते हैं, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि हम किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए थ्रू आउट उसकी स्टेट एक ही रखें. फॉर एग्जांपल, अगर हम गैस को मान लीजिए वॉल्यूम V1 और प्रेशर P1 से हम उसको उसके टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू करते हैं टिल अ पॉइंट बी, इट इज़ पॉसिबल टू कन्वर्ट अ गैस इनटू अ लिक्विड और लिक्विड इनटू अ गैस बाय अ प्रोसेस इन विच ओनली अ सिंगल स्टेट इज ऑलवेज प्रेजेंट. जैसे अगर हम हॉरिजॉन्टल पोर्शन के एंड्स को जॉइन कर दें तो हमारे पास एक कर्व आता है जिसमें गैस और लिक्विड स्टेट दोनों प्रेजेंट होते हैं.
अगर हम इस कर्व से बाहर बाहर प्रोसेसेस करते हैं तो हम एक ही स्टेज में गैस को लिक्विड में या लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वो फेज है जिसके नीचे दोनों फेजेस प्रेजेंट होते हैं। इसके इस तरफ सिर्फ गैसेस स्टेट है और इस तरफ सिर्फ लिक्विड स्टेट है। ऑन जॉइनिंग द एंड्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल पोर्शंस ऑफ वेरियस आइसोथर्म्स अ बाउंड्री कर्व JGCXBFI रिप्रेजेंटेड बाई शेडेड पोर्शन इज ऑप्टेन। इसका क्रिटिकल पॉइंट X इसके टॉप पे है। इस एरिया के अंदर अंदर हमें दोनों फेजेस मिलेंगे लेकिन बाहर सिर्फ एक ही फेज मिलेगा। तो अगर हमने एक सर्टेन वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिप्रेजेंटेड बाई पॉइंट A ऑन 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड आइसोथर्म को हीट किया एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम टू अ टेम्परेचर जहाँ पे प्रेशर इंक्रीज कर जाता है टू अ पॉइंट बी लाइंग ऑन द आइसोथर्म 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमने गैस को गैस ही रखते हुए टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है। यहाँ से हम गैस का टेम्परेचर सेम रखेंगे और उसको कंप्रेस कर देंगे एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, तो हमारे पास आइसोथर्म आएगा और यहाँ से हम इसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज करेगा टिल द पॉइंट डी, उसके बाद टिल द पॉइंट सी। तो गैस को एक सर्टेन वॉल्यूम पे हमने उसका उसको हीट करना शुरू किया वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए ताकि उसका टेम्परेचर इंक्रीज करे टिल इट रीचेस द पॉइंट बी ऑन द आइसोथर्म 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद हम उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे और उसको कंप्रेस करेंगे सो दैट इट रीचेस अ पॉइंट सी ऑन द सेम आइसोथर्म 31.1 डिग्री। उसके बाद फिर हम उसकी वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए उसको कूल करेंगे सो दैट उसका टेम्परेचर कम हो जाए और प्रेशर भी, और इट रीचेस टू अ पॉइंट डी। जब ये डी पॉइंट पे पहुंचता है तो ये लिक्विड स्टेट में आ जाता है। इस पूरे बी सी डी में हमने एक ही स्टेट रखी है, यहाँ पे गैसियस, ये भी गैसियस, फिर ये लिक्विड, यहाँ लिक्विड कूल करने के बाद। तो जब एक ही फेज में रखते हुए हमने गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया तो हम कहेंगे कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। ये पूरी ट्रांजिशन के दौरान फ्रॉम द गैस टू लिक्विड कभी भी एक से ज़्यादा फेज किसी भी टाइम पे नहीं आया। ये जो प्रोसेस है ऑफ चेंज फ्रॉम गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट इज रिगार्डेड एज कंटिन्यूस एंड वी कैन से देयर इज कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट बिटवीन गैस एंड लिक्विड ट्रांजिशन। इस कंटिन्यूटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमने टर्म फ्लूइड यूज किए चाहे वो लिक्विड हो या गैस हो। सो लिक्विड एंड गैस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ओनली व्हेन द फ्लूइड इज बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर एंड इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम लाइज इन द एरिया JGCXBFI शेडेड पोर्शन। इन दिस सिचुएशन लिक्विड एंड गैस आर इन इक्विलिब्रियम एंड बाउंड्री सेपरेटिंग द टू फेजेस इज विजिबल। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ सच अ बाउंड्री सर्फेस देर इज नो फंडामेंटल वे ऑफ डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द टू स्टेट्स। सो एट क्रिटिकल टेम्परेचर लिक्विड चेंजेस इन टू गैसियस स्टेट इम्परसेप्टिबली एंड कंटिन्यूसली एंड सर्फेस सेपरेटिंग दीज टू फेजेस डिसअपियर। क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद इनके बीच में आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे वाले टेम्परेचर पर गैस को वेपर कहा जाता है। क्रिटिकल पॉइंट्स पे जो डेंसिटीज हैं गैस और लिक्विड की सेम होती हैं, उनके बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं होती, तो नो सेकेंड फेज इज फॉर्म्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रेशर ऑफ द स्टेट क्रिटिकल पॉइंट पे। फ्लूइड्स अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर आर कॉल्ड सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स। क्रिटिकल कांस्टेंट्स को हम वंडरवॉल कांस्टेंट ए और बी से भी रिलेट कर सकते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर इज 8 ए अपॉन 27 आर बी वेयर ए एंड बी आर वंडरवॉल्स कांस्टेंट। इसी तरह क्रिटिकल प्रेशर इज ए अपॉन 27 बी स्क्वेयर। क्रिटिकल वॉल्यूम इज 3 टाइम्स वंडरवॉल कांस्टेंट बी। बॉयल्स टेम्परेचर भी रिलेटेड होता है विद वंडरवॉल्स कांस्टेंट। बॉयल्स टेम्परेचर इज
ए अपॉन बी आर। अल्टरनेटिवली अगर हमें क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम पता हो तो हम वैन डर वाल्स कॉन्स्टेंट भी निकाल सकते हैं। तो बी इज इक्वल टू क्रिटिकल वॉल्यूम अपॉन थ्री, ए इज इक्वल टू थ्री क्रिटिकल प्रेशर इन टू क्रिटिकल वॉल्यूम स्क्वेयर, एंड सिमिलरली आर इज इक्वल टू एट पी सी वी सी अपॉन थ्री टी सी, एट इंटू क्रिटिकल प्रेशर इंटू क्रिटिकल वॉल्यूम अपॉन थ्री टाइम्स क्रिटिकल टेम्परेचर। सो इन फॉर्मूलाज को हम लर्न करें तो इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व किया जा सकता है।